नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ खबरों की तरफ बढ़ रहे हैं। लखनऊ में विधान भवन के सामने प्रदर्शन करने गए पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई हैं, तस्वीरें आपके सामने। लाठीचार्ज से वहां भगदड़ मच गई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने साल 2015 में पुलिस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म निकाले थे। इसी परीक्षा पूरी होने के बाद करीब 34,000 सिपाहियों की भर्ती होनी थी, लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया के परिणाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित कर लिया था। भर्ती में चयनित करीब 1,500 अभ्यर्थियों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज हुआ है और जमकर हंगामा अभ्यर्थियों ने किया विधानसभा के सामने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 2015 में ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी। अनूप चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अनूप, मांगे क्या है इनकी और किस तरह से विधानसभा के सामने जमकर प्रदर्शन होता है, उसके बाद पुलिस द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज होता है? देखिए, ये अखिलेश सरकार द्वारा भर्ती निकाली गई थी दरोगा की, उसी में इन लोगों का चयन हुआ था। इनका कहना है कि सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। उसके बाद जब योगी सरकार आई है यूपी में, उसके बाद योगी सरकार ने सारी जो भर्ती थी जो पद थे उनको प्रक्रिया को सारा निरस्त कर दिया था। दोबारा नए सिरे से आवेदन करने की बात थी, जिसके विरोध में ही ये अभ्यर्थी काफी समय से संघर्षरत है और आज भी एकजुट होकर यहाँ पे लखनऊ में विधान भवन और एनएक्सी और बापू भवन के एक साथ अभ्यर्थियों ने घेराव किया, जिसके बाद ही ये उग्र हो रहे थे, सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे, जिसके बाद पुलिस भारी मौके पर पहुंची, भारी पुलिस बल ने इनको खदेड़ दिया। इसके बाद भी जब उग्र हुए हैं अभ्यर्थी तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज का प्रयोग किया, जिसके बाद अब यहाँ पे फिलहाल विधान भवन एनएक्सी और बापू भवन पे अब यहाँ से अभ्यर्थियों को खदेड़ के वहां भेज दिया गया, लक्ष्मण मेला पार्क में भेज दिया गया है और वहां पर इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इनकी मांगे है कि जो भर्ती प्रक्रिया निरस्त की गई उसको बहाल किया जाए और जो लोग उस प्रक्रिया में चयनित थे उनको जो है बहाल करके उनको नौकरी दी जाए। अनुप, अब जबकि पुलिस द्वारा उन पर लाठीचार्ज भी किया गया तो उस दौरान लक्ष्मण मेले में उनको भेजा गया, अब अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, अभ्यर्थियों का सीधा मांग है, सीधा कहना है कि ये सरकार है दमनकारी नीति अपना रही है और उन लोगों ने बिल्कुल फेयर तरीके से जो उनकी भर्ती प्रक्रिया हुई थी सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। अचानक सरकार ने नई सरकार आई और गठन होने के बाद ही उस भर्ती प्रक्रिया को रोक लगा दी। कहना कि ये राजनीति है और उनका जो है पिछली सरकार जो भर्ती निकाले थे उसमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सरकार पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है जिसके चलते ही उनका भविष्य अधर में है। उन्होंने मार्मिक अपील की है कि जो भर्ती प्रक्रिया निरस्त की गई थी उसको बहाल किया जाए वरना धरना प्रदर्शन उनका लगातार जारी रहेगा। शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो भर्ती प्रक्रिया जो है उसको बहाल किया जाए, अगर वो बहाल नहीं होती तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तस्वीरें उस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब विधानसभा के बाहर अभ्यर्थी इकट्ठा होते हैं, प्रदर्शन करते हैं और इस दौरान पुलिस लाठीचार्ज करती है अभ्यर्थियों पर।